आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार बच्चों, यहाँ अपने पास एक गद्यांश है, चलिए पढ़ते हैं। प्राचीन भारत में स्त्रियों की सामाजिक परिस्थिति से संबंधित अधिकांश अकादमिक अध्ययन ब्राह्मण साहित्य पर आधारित हैं। इस साहित्य में धार्मिक और वैधानिक बिंदुओं पर मुख्य रूप से चर्चा की गई। धार्मिक कर्मकांड संपादित करने का अधिकार, कर्मकांड संपादन का उद्देश्य, विधवाओं के अधिकार, पुनर्विवाह, नियोग संस्था की प्रासंगिकता, संपत्ति का अधिकार आदि कुछ ऐसे उल्लेखनीय बिंदु हैं जिन पर विशद चर्चा की गई। स्त्रियों की शिक्षा दीक्षा, सार्वजनिक गतिविधियां, सामाजिक समारोह में उनकी उपस्थिति या अनुपस्थिति, स्त्रियों की सामाजिक स्थिति के आकलन के महत्वपूर्ण आधार रहे हैं। स्त्रियों के अधिकार संबंधित अधिकांश चर्चा परिवार को केंद्र में रखकर परिवार के सदस्य के रूप में पारिवारिक भूमिकाओं के निर्वहन के संदर्भ में की गई है। ज्यादातर उल्लेख पत्नी की भूमिका और पति पत्नी के रूप में दिए जाने वाले अधिकार से संबंधित है। ऐसे संदर्भ न के बराबर हैं जिनमें समाज के एक स्वतंत्र सदस्य के रूप में स्त्री अधिकारों की चर्चा की गई हो या उस पर विचार विमर्श किया गया हो। गणिकाओं को इस संदर्भ में अपवाद माना जा सकता है, किंतु ब्राह्मण साहित्य पितृवंशीय समाज में स्त्री अधिकारों को संदर्भित करता है। गणिकाओं को इस समाज का अंग नहीं माना गया है, चूंकि स्त्रियों की सामाजिक आर्थिक परिस्थिति का ये पूरा प्रारंभिक विवेचन ब्राह्मण ग्रंथों पर ही आधारित था, इसलिए यह सिर्फ ब्राह्मणवादी नजरिए को प्रस्तुत करता है, ब्राह्मणेतर श्रमणिक नजरिए से हमें परिचित नहीं कराता। इसलिए इस ऐसी कोई अवधारणा बनाना कि समाज में इन नियमों का शब्दंश पालन होता रहा होगा, गलत होगा। वास्तविक समाज निश्चय ही इन ग्रंथों की अपेक्षा के आदर समाज से अलग रहा होगा। यह अपना गद्यांश था। और देखिए, संबंधित प्रश्न है, प्राचीन भारत में स्त्रियों की स्थिति क्या थी, यह जानने का स्रोत है ब्राह्मण ग्रंथ, संगम साहित्य, अर्थशास्त्र या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, इस प्रश्न का सही उत्तर यह होगा कि प्राचीन भारत में स्त्रियों की स्थिति जानने का जो सबसे स्रोत था वो था ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ के द्वारा ही स्त्रियों की स्थिति जानी जा सकती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प नंबर एक हो जाएगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।